Hello dear children, today we are going to solve problem set 49 class 5th math question number 10. Look at the figures on the sheet of graph paper. Measures their side with the help of lines on the graph paper. Write the perimeter of each in the right box. अभी यहाँ पे कुछ डायग्राम्स बनाई गई हैं, जैसे कि यहाँ पे एबीसीडी रेक्टेंगल की डायग्राम है. अभी इस एबीसीडी रेक्टेंगल की हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करनी है. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी इक्वल टू डैश सेंटीमीटर. अभी यहाँ पे हमें लेंथ और ब्रेथ दी गई नहीं, लेकिन यहाँ पे जो डायग्राम है वो ग्राफ पेपर पे बनाई गई है, तो उसकी लेंथ और ब्रेथ किस प्रकार से मेजर करते हैं वो देखते हैं. देखो बच्चों, ध्यान से देखना है. यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बताती हूँ. इस प्रकार से देखो, एबीसीडी रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से. तो अभी यहाँ पे एबी की लेंथ कितनी है वो हम फाइंड आउट करेंगे. देखो यहाँ से ए से लेके ये जो डार्क वाली लाइन दिखाई दे रही है, यहां तक का डिस्टेंस होता है 1 सेंटीमीटर. फिर ये डार्क लाइन से सेकंड डार्क लाइन जो है यहां तक बन गए 2 सेंटीमीटर. यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस बन गया 3 सेंटीमीटर. देखो ए से लेके ये जो डार्क लाइन है, ये वाली डार्क लाइन जो है यहां तक 1 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक 2 सेंटीमीटर, ये डार्क लाइन से लेके यहां तक का डिस्टेंस बन गया 3 सेंटीमीटर. अभी 3 सेंटीमीटर के बाद ये जो छोटे छोटे बारीक लाइन से इसको काउंट कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5, यानी ये बन गया 3.5 सेंटीमीटर. ये जो डिस्टेंस है वो कितना बन गया 3.5 सेंटीमीटर. उसी प्रकार से ये जो डीसी है, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए डीसी का जो डिस्टेंस है वो भी क्या बन गया 3.5 सेंटीमीटर बन गया. अभी ये हमें मिल गया. अभी एडी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं. देखो अभी यहां से ए से लेके ये जो डार्क लाइन है यहां तक बन गया 1 सेंटीमीटर, ये वाली डार्क लाइन से यहां तक बन गया 1 सेंटीमीटर, यानी ये वन 2 बन गया. 2 के बाद ये बारीक बारीक यदि हम छोटे लाइन्स को काउंट करते हैं तो ये 5 है, यानी 2.5 सेंटीमीटर. यानी एडी का डिस्टेंस कितना बन गया 2.5 सेंटीमीटर. एडी 2.5 है तो बीसी डिस्टेंस भी कितना बन गया 2.5 सेंटीमीटर बन गया, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. अभी यहाँ पे हमें लेंथ पता है और ब्रेथ पता है. अभी हमें फाइंड आउट करनी है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी. अभी हम फॉर्मूला यूज करके इस पेरीमीटर को फाइंड आउट कर लेते हैं. अभी देखो, फर्स्ट पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करनी है रेक्टेंगल एबीसीडी की. तो फॉर्मूला राइट डाउन किया, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. अभी यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर ली थी लेंथ कितनी मिल गई थी हमें, जो बड़ी वाली है वो 3.5 सेंटीमीटर, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मिल गई थी हमें 2.5 सेंटीमीटर. अभी करते हैं मल्टीप्लीकेशन. दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो यहाँ पे 7.0 मिल गया, प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन किया तो यहाँ पे 5.0 मिल गया. अभी दोनों के एडिशन करते हैं तो हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 12.0 सेंटीमीटर, और इसको ही हम राइट डाउन कर सकते हैं 12 सेंटीमीटर. यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी कितना मिल गया हमें 12 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे हम राइट डाउन कर सकते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. यहाँ पे हम इस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं. अभी सेकंड एग्जांपल देखते हैं. सेकंड एग्जांपल में हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ईएफजीएच. देखो अभी ए वाले डायग्राम ईएफजीएच. अभी फर्स्टली हम लेंथ कितनी है और ब्रेथ कितनी है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं. तो अभी यहाँ पे ई से लेके यहां तक का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, यहां से लेके 2 सेंटीमीटर, यहां से लेके 3 सेंटीमीटर. अभी ये जो बाकी बचे हुए लाइन है इसको काउंट कर लेते हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी 3.8 सेंटीमीटर बन गया. यानी यहाँ पे ईएफ की लेंथ कितनी बन गई 3.8 सेंटीमीटर बन गई. अभी एफजी की लेंथ को काउंट कर लेते हैं. एफजी की लेंथ कितनी है वो काउंट करना है. तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, उसके बाद 1 2 3, यानी 1.3 सेंटीमीटर. अभी यहाँ पे हमें ईएफ की लेंथ और एफजी की लेंथ मिल गई. अभी हम क्या फाइंड आउट करना है, हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ईएफजीएफ. तो फॉर्मूला राइट डाउन कर लेते हैं और फाइंड आउट कर लेते हैं. इस प्रकार से हमने यहाँ पे फॉर्मूला राइट डाउन किया, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ. कितनी मिल गई थी हमें लेंथ, मिली थी हमें 3.8 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे लेंथ 3.8 सेंटीमीटर है. उसके बाद ब्रेथ कितनी मिल गई थी हमें 1.3, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1.3 इक्वल टू 2 8 16 कैरी 1,
टू थ्री जा सिक्स प्लस वन सेवन, सेवन पॉइंट सिक्स प्लस टू मल्टीप्लाई बाय वन पॉइंट थ्री किया तो टू पॉइंट सिक्स, दोनों की करेंगे एडिशन, सेवन पॉइंट सिक्स प्लस टू पॉइंट सिक्स, सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व कैरी वन, सेवन प्लस टू प्लस वन टेन, टेन पॉइंट टू इक्वल टू टेन पॉइंट टू सेंटीमीटर। यानी सेकंड जो एग्जांपल है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ईएफजीएच कितना मिल गया हमें तो 10.2 सेंटीमीटर, तो यहां पे राइट डाउन करेंगे सेकंड इसमें 10.2 सेंटीमीटर। अभी थर्ड देखना है हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पीक्यूआरएस, अभी देखो यहां पे ये वाला स्क्वायर पीक्यूआरएस इसकी पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करनी है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है यहां पे रेक्टेंगल नहीं है तो स्क्वायर के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, तो एक साइड को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे P से लेके ये जो डार्क लाइन है यहां तक 1 सेंटीमीटर, जूम करके देखते हैं यहां पे देखो P से लेके यहां तक 1 सेंटीमीटर, यहां से लेके 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर हो गए, और 2 सेंटीमीटर के बाद 1 2 3 और 4 यानी 3.4 सेंटीमीटर PQ की लेंथ है। तो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल PQRS, सॉरी यहाँ पे 2.4 सेंटीमीटर, देखो यहां से P से लेके यहां तक है 1, यहां तक है 2, 2.4 सेंटीमीटर, देखो फिर से S से लेके यहां तक है 1, यहां से लेके यहां तक है ये बन गया 1, यानी 1 यानी 1 2, 2 प्लस ये 0.4 यानी 2.4 सेंटीमीटर। अभी हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर PQRS फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला राइट डाउन कर लेते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे इस प्रकार से फॉर्मूला राइट डाउन किया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर PQRS इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड, तो हमें यहाँ पे लेंथ ऑफ वन साइड मिल गया था 2.4, दोनों का करेंगे मल्टीप्लीकेशन, 4 4 16 कैरी 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9 यानी 9.6 सेंटीमीटर। यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर PQRS कितना मिल गया हमें 9.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर PQRS इक्वल टू 9.6 सेंटीमीटर। अभी लास्ट वाला देखते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल STUV, अभी देखो यहाँ पे ST की लेंथ और TU की लेंथ को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे S से लेके यहां तक 1 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक 1 सेंटीमीटर यानी 2 सेंटीमीटर बन गया, तो यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं 2 सेंटीमीटर। T से लेके यहां तक 1, यहां से लेके यहां तक 1 और यहां से लेके यहां तक 1 यानी 3 सेंटीमीटर। यानी TU का डिस्टेंस कितना है 3 और ST का डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर। अभी फाइंड आउट कर लेते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विथ फॉर्मूला, यहाँ पे इस प्रकार से फॉर्मूला राइट डाउन किया। अभी वैल्यू पुट अप कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय, देखो यहाँ पे लेंथ मिल गई थी हमें 3 और ब्रेथ मिल गई थी 2, तो यहाँ पे वैल्यू पुट अप करेंगे लेंथ है 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ है 2 इक्वल टू 2 3 जा 6 प्लस 2 2 जा 4 इक्वल टू दोनों के एडिशन की, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हमें क्या मिल गई पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल STUV। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल STUV इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आज हमने प्रॉब्लम सेट 49 इसमें से क्वेश्चन नंबर जो 10 था वो देखा। आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताना है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।